आखिर एक गरीब परिवार अपनी आशियाने को बचा तो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई अधिकारी या प्रशासन अधिकारी इनकी मदद करे। मोहनलाल के घर को खतरा इतना बन चुका है कि कभी भी मकान भूस्खलन के साथ मलबे के ढेर में बदल सकता है। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन और फोर लेन का निर्माण कर रहे अधिकारियों से मांग की है कि उनकी समस्या को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाए, ताकि उनका आशियाना सुरक्षित हो सके या फिर उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि ये आशियाना फिर से तैयार कर सके। पंडो के रहने वाले मोहनलाल ने अपनी मेहनत से एक आशियाना तैयार किया था। मोहनलाल सड़क किनारे चाय का स्टॉल चलाता है, तब जाकर अपने परिवार का गुजर बसर करता है। वहीं फोर लेन का निर्माण कर रही कंपनी द्वारा पदार्थियों की कटिंग करवाई है। इन दिनों बरसात के मौसम में भारी बारिश होने से अब मोहनलाल का आशियाना खतरे में आ गया है। पीड़ित परिवार के सदस्य पहले ही मकान खाली करके सड़क किनारे शेड बनाकर रहने को मजबूर हैं। मकान पर गहरी दरारें पड़ चुकी हैं और मकान भूस्खलन के साथ कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। मोहनलाल ने बताया कि कई बार फोर लेन का निर्माण कार्य कर रहे अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन आज तक इस परिवार की सुध किसी ने नहीं ली। मेरा नाम मोहनलाल है, ये मोहनलाल जी है जी। जो एफकॉन कंपनी का काम चला हुआ नीचे से, और इस कंपनी इस कटिंग की वजह से सारे घर बार जमीन जगह हमारी पूरी डैमेज है और पूरी जा चुकी है। अब रहने लायक तो है नहीं। 2018 से इनके पास जा रहा है मैं, और सारे ऐसे बोलते हैं चलो आपको डैमेज का पैसा मिलेगा मिलेगा, जहाँ भी जाना वहाँ वही बोलते हैं मेरे को। अब तो आने जाने के लिए मेरे पास कोई किराया सराय भी नहीं, ना पैसा है ना कुछ नहीं। गरीब आदमी है, यही चाय का धंधा है हमारा, यही काम करते हैं हम। बाकी आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। जब गरीब आदमी क्या बोलेंगे, यह सारा जब आपके सामने है सारा घर बार जो देख लिया आपने, पूरा डैमेज रहने लायक नहीं, सारा पानी अंदर आ रहा है, ये जाने वाला है पर ऐसे। ये तो अभी 10 मिनट पहले भी स्लाइड हो रहा था, ये तो ऐसे अब 2 दिन पहले गिरा, कोई भी नहीं आया हमारे पास यहाँ, कोई कंपनी वाले ना चाय वाले कोई भी नहीं रुके इधर, कोई आते नहीं यहाँ, देखते नहीं ऊपरी तरफ तो आगे नीचे से जाते हैं और आगे देखना उन्होंने बस, यहाँ ब्रेक नहीं मारते नीचे। और इसके बाद वो हम क्या कर सकते हैं, हमने तो काम चलने नहीं देना। अब इनके जैसे जब तक हमारे को डैमेज का घर का पैसा नहीं मिला, जमीन का पैसा नहीं मिला, तब तक हम इनका काम जो है घर के सामने चलने नहीं देंगे। मेरा नाम बिंद्रा देवी है, और जो नीचे से फोर लेन की कटिंग की वजह से हमारी जमीन और घर का तहस नहस हो गया है, और फिर हमारे को दिख रहा है अब घर का तो बुरा हाल है, हम रह नहीं सकते। 2 सालों से हम बाहर रह रहे, और रोड में रह रहे, कंपनी जो है हमें 7,000 किराया दे रही है हर मंथ, और उसके लिए हम बच्चों के लिए रूम ले लिया, और बूढ़े मम्मी पापा भी है, और खुद हमारे को दोनों को मियाँ बीबी को रोड में रहना पड़ रहा है। और अब हमारे जहाँ जहाँ हम गए उन्होंने कुछ नहीं दिया, हमारे को ऐसा बोले कि आपको मिल जाएगा मिल जाएगा, अब हमें कोई पता नहीं देंगे भी या नहीं देंगे। गरीब आदमी हमारा यही तो धंधा था, जमीन और घर, जैसे गौ गा पशु पाले, और अब हमें कोई पता नहीं देंगे भी या नहीं। सीएम के पास हम गए, डीसी साहब के पास हम गए, एसडी मैडम आई थी, मौके पर आई थी, नीचे रोड से पक गया और ऊपर तो आ नहीं सके। जब ऊपर देखेंगे भी आएंगे ना, तब उनको खुद चलेगा पता, नीचे से तो देखने में ठीक दिख रहा है, मार गए ठीक हो गए, अब तो आपने खुद देख लिया क्या है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें जो हमारे घर और जमीन सब कुछ मुआवजा दे दे, बस काम शुरू कर दो। अब बोलते हैं कि हम काम शुरू करेंगे हम भाई, आपको मिल जाएंगे, हमें क्या पता है जब इनका काम खत्म हो गया देंगे भी नहीं, फिर बाद में तो आएंगे नहीं हमारे को कुछ नहीं। जैसे अभी नहीं आ रहे, इतना स्लाइड हुआ 2-3 दिन में हमारे को, तो किसी ने पूछा तक नहीं, अब बाद में नहीं पता फिर क्या होगा हमारा।